सबको जय यीशु की। आज फिर से हम लोग 3 बजे प्रभु का साथ देने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए हम लोग आए हैं। गेत्सेमनी बगीचे में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और वो उनको छोड़कर कुछ दूरी पर प्रार्थना करते रहे। लेकिन शिष्य प्रभु का साथ नहीं दे सके क्योंकि उनकी आंखें नींद से बोझिल थीं। हम लोगों को ये मौका मिला है, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु हमारा साथ दे देंगे। आज का सुसमाचार जो सुबह के मिस्र बलिदान में हम लोगों ने सुना है, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, ये संत मती का सुसमाचार अध्याय 6:24 में। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आइए, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, प्रभु यीशु हैं, हम उसकी सेवा में यहाँ पे उपस्थित हैं। करुणा माला विनती करने से पहले इस प्रभु का हम लोग स्वागत करते हैं। प्रभु इस परम प्रसाद में उपस्थित होकर हम में, हमारे जीवन में एक नया जीवन संचार करेंगे। नए जीवन के संचार के लिए हम लोग आज ये करुणा माला विनती करते हैं। नया जीवन आध्यात्मिक तरीके से, मानसिक तरीके से, और साथ ही साथ शारीरिक तरीके से जो भी रोग हैं, जो भी बीमारी है, वो सब प्रभु चंगा करे और नए शारीरिक रूप से हमें नया जीवन मिले। मानसिक तरीके से हमारे मन में, हृदय में जो भी दुख संकट हैं, तनाव है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है और बुराइयां हैं, वो सब दूर हो जाएं और प्रभु हमें चंगाई दे के हमारे मानसिक तरीके से नव जीवन दे दे। और साथ ही साथ आध्यात्मिक तरीके से प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे। आइए, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, इस नया जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए ये करुणा माला विनती हम लोग प्रभु को अर्पित करते हैं। और उसके पहले इस परम प्रसाद में प्रभु को हम स्वागत करते हैं। Thank you.
से भर के हम आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में। प्रेरितों का धर्मसार। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए ये हम करुणा माला बिनती अर्पित करते हैं। सबसे पहला भेद जो है, हम लोग सारे संसार के लिए, हम लोग दया के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु ही संसार का मुक्तिदाता है। ईश्वर अपनी सृष्टि को बहुत प्यार करता है और खास तौर पर मनुष्य को प्यार करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन ये कहता है, 3:16 इस प्रकार कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए हम पहला भेद अर्पित करते हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर और इस सारे संसार पर दया करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने मनुष्य को और सारे संसार को इतना प्यार किया, हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विश्व में शांति हो, राष्ट्रों के बीच में शांति हो और विशेष तौर पर हर मनुष्य के लिए तेरी करुणा और दया मांगते हैं। हे प्रभु, अपनी करुणा और दया भेज दे और हर एक पर अपनी आशीष और कृपा बरसा दे। हम सबसे पहले प्रभु से दया के लिए याचना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर, शरीर तथा रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे अर्पित करते हैं। उनके दुखों के नाम पर
हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए दूसरा वेद हम लोग अर्पित करते हैं। वचन ये कहता है, भजन संहिता अध्याय 16 11 साम 16 वर्सेस 11, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। आइए अपना दाहिना हाथ उठाकर
मेरे पीछे पीछे दोहराइए, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हम दूसरा भेद हमारे लिए और अपने परिवारों के संरक्षण के लिए चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे अंदर और हमारे परिवारों के अंदर नया जीवन संचार कर दे, जैसे हम लोगों ने प्रार्थना की, एक नया जीवन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभु प्रदान करे। हमारे परिवारों के हर एक व्यक्ति के, हमारे पूर्वजों के, हमारे रिश्तेदारों के सब पापों को क्षमा कर दे। इन पापों को क्षमा करके प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे, एक नया जीवन प्रभु संचार कर दे। हम ये दूसरा भेद विशेष तौर पर हमको और हमारे सभी परिवारों के संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी परिवारों को संरक्षण प्रदान कर। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, देखा मैंने क्रूस
करने की तेरी शक्ति को, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गांव को। बदले में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम लोग वचन सुनते हैं, एज़ेकियल का ग्रंथ 36 और 26। वचन ये कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे दोहराइए, मैं तुम्हारे शरीर से, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को, तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमें संपूर्ण चंगाई प्रदान करता है, इसलिए हम लोग ये तीसरा वेद चढ़ाते हैं। तीसरा वेद सभी रोगियों के लिए और कोरोना पीड़ितों के लिए हम चढ़ाते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में जो भी लोग बीमार हैं, उन सबको प्रभु छू ले, उनको चंगाई दे। कोरोना पीड़ित लोगों के लिए जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन की कमी है, घर में वो लोग आइसोलेशन में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सगे संबंधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोरोना की बीमारी आती है तो सब लोग परेशान होते हैं, न केवल परिवार, उनके रिश्तेदार, हर कोई परेशान होता है। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन रोगियों को छू ले और उनको चंगाई प्रदान करे। आपका अनुवाद की है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। अपने हाथ उठाएं, जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकें। भक्ति भावना के साथ हम लोग न केवल बीमारी के लिए, शारीरिक बीमारी के लिए, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक और मानसिक रोगों के लिए भी हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों पर दया कर।
देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हम सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रों के बीच सुख शांति के लिए, खास तौर पर शांति की स्थापना हो। जो भी समस्याएं हैं, लोग उसको संवाद के जरिए उसका हल करें, उन समस्याओं का निवारण करें। हम अपने देश के सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपने नेताओं को, अपने राजाओं को चुना था। सबसे पहले मूसा को चुना इज़राइली प्रजा को आज़ाद करने के लिए, यशुआ को चुना, और उसके बाद राजाओं को नियुक्त किया, नबियों को भेजा। ईश्वर ने इन लोगों को नियुक्त करके अपनी प्रजा की रक्षा करने को और उनको एक मार्ग, एक दिशा निर्देश देने के लिए नियुक्त किया था। हमारे नेता भी ऐसा ही करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। आइए हम दया के लिए याचना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी
नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, देश के सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की कलीसिया के लिए ये पांचवां भेद चढ़ाते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो दयालु है, करुणा सागर है, दया सागर है, अपने पुरोहितों पर दया करे, अपने चुने हुए दासों पर दया करे, धर्म बहनों पर दया करे और धर्म प्रचारकों पर दया करे, अपनी कलीसिया पर दया करे, अपनी कलीसिया की रक्षा करे, उनको हर तरीके के विपदा से, आपत्ति से और हर तरीके की आपदा से और महामारी से बचाए रखे। जो लोग बीमार हैं, विशेष तौर पर पुरोहित धर्म बहने जो बीमार हैं, प्रभु उनको छूकर चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु, तेरा दास तुझसे निवेदन कर रहा है, तूने अपने दासों को, दास दासियों को चुना है। प्रभु इस वक्त हमें तेरी ज़रूरत है, इस वक्त विशेष तौर पर हम तेरी चंगाई, हमें तेरी चंगाई की ज़रूरत है। हे प्रभु, हर एक पुरोहित को छू ले, हर एक धर्म बहन को छू ले, उनको महफूज रख, उनको सुरक्षित रख। हम लोक धर्मियों के लिए भी, तेरी चुनी हुई प्रजा, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इनके परिवार में जो भी लोग बीमार हैं, उनकी रक्षा कर, उनको चंगाई दे और साथ साथ महामारी से अपनी कलीसिया की रक्षा कर।
अपने अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, अपने अपने पल्ली पुरोहितों के लिए और अपने अपने परिवार में जो भी पुरोहित और धर्म बहनें हैं जिनको आप जानते हैं, सबके लिए इस वक्त निवेदन करें और इस वेद को हम लोग अर्पित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संगियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। आमेन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय,
मन आत्मा चेतन और अचेतन मन को सब और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर भय घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर मन आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्चे से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आश्रय रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। सब मृत विश्वासियों की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। हम प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर भी अपना ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर उसी यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर जो तेरे तथा
तेरे साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। नतमस्तक होकर घुटने टेक कर अपने हाथ उठाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए जिस प्रकार भी हम अपनी भक्ति इबादत प्रभु के सामने दर्शाना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा दर्शाना चाहते हैं, इस परम प्रसाद में जो प्रभु जो उपस्थित हैं उनको दर्शाएं और उनसे आशीष पाएं। पिता परमेश्वर मैं करता शताब्दी हृदय से तेरी आराधना भक्ति के साथ तेरी स्तुति हृदय की सच्चाई से तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे आशीष को ग्रहण करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे तेरी आराधना तेरी स्तुति
सबको जय यीशु की। प्रभु की करुणा ने, प्रभु की दया ने हम सबका स्पर्श किया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, यही हमारा विश्वास है। एक बार तुम मांगते हो तो विश्वास करो कि वो पूरा हो गया है। हम लोगों का भी यही विश्वास है। शाम को 7 बजे आराधना होगी। आप लोगों से निवेदन है, आराधना में आप लोग भाग लें, प्रभु से आशीष और कृपा पाएं। तब तक आप लोग प्रभु में बने रहें।